पीओएसी, वो पीओएसी का मतलब क्या था? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। उद्भव, इसका मेन मतलब क्या है बोलो? सर इसके अंदर ये पावर है कि सर रिएक्शन बैलेंस किए बिना ही सर हम लोग प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का सर मोल निकाल सकते हैं। नहीं, अरे ये इसका मतलब क्या है? सर एटम्स को नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिएक्शन में एटम्स। सर नंबर, सर नंबर ऑफ एटम्स सर जितने एटम्स रिएक्टेंट में एटम इन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। इसी पे सवाल बनता है, बैलेंस हो चाहे ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये सब मैंने करवाया था, इस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने आपको ना। yes, एक और सवाल मैं आसान कराऊंगा फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, मिटा देना इसको। यस सर। यस, इसका मतलब यही है। देखिए, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। एक बच्चों तो आप लोग करिए यार, देखिए ये प्रैक्टिस के लिए मैं ऐसा करवाया था, बट फिर से मैं करवा दे रहा हूँ। मैं इस बार थोड़ा चाह रहा हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट भी अगर इसमें रहे तो आप लोग सवाल बना ले जाए पीओएस के लिए। देखो बच्चों, मैं पहले कह रहा हूं पीओएससी से बनाना है। कैसे बनाना है? पीओएससी से बैलेंस करके नहीं बनाना है। वज्र हो गया, नहीं बैलेंस करके नहीं बनाना है। तो कैसे बनाओगे एक तो बता दे सर। पहले एलआर निकालेंगे। एलआर कैसे निकलेगा? एलआर नहीं निकलेगा, बस बता रहा हूँ कैसे बनेगा। हमेशा ये हम एक मूल मान लो, कोफिशियंट कहाँ से आएगा? छोरे हो जाएगा। जब बैलेंस ही नहीं है तो कोफिशियंट कहाँ से आएगा? गधा। देखो एक्स मूल मान लो। यस, अब जरा सल्फर को यहाँ सल्फर निकालो, सल्फर के हिसाब से क्या होगा बताओ? 1 × 2.621 = x × 3 सर। कितना आएगा एक्स की वैल्यू? चलो रौनक यादव है जी, रौनक यादव, रौनक है, रौनक है, रौनक हो तुम कि नहीं हो? रहते ही नहीं हो तुम। चलो ये आदर्श त्रिपाठी कौन है? आदर्श त्रिपाठी, आदर्श त्रिपाठी बोल नहीं रहे हो तुम? चलो आदर्श नहीं बोल रहा। साहिल सिंह कौन है? साहिल सिंह, साहिल सिंह और भी नहीं बोल रहा। यस सर, साहिल है। हाँ तो चलो साहिल सिंह बताओ, एल्युमिनियम आइटम के लिए कंजर्वेशन लगाओ, बताओ क्या लिखे एल्युमिनियम आइटम के लिए क्या लिखे बताओ। अरे बताओ इधर कितना एल्युमिनियम आइटम है रिएक्टेंट में बोलो। सर मैं बताऊ? अरे साहिल नहीं आ रहा क्या यार तुमको? अरे मर्जे, ये 0.5 एल ओ एच है तो एल्यूमिनियम कितना होगा? 0.5 ही ना होगा इंटू 1। चलो साहिल प्रोडक्ट बताओ कितना एल्यूमिनियम होगा बताओ। अगर एक्स मोल है तो एल्यूमिनियम कितना होगा बोलो। बोलो साहिल बोल रहे सर, अभी है तो नहीं आ रहा है। कहाँ थे इतने दिनों से? अभी सर कुछ दिन हुआ है ज्वाइन, ने पहली बार किए हैं। अरे यार तो यूट्यूब पे सारा लेक्चर तो पड़ा हुआ है ना यार, यूट्यूब पे पड़ा। सर यूट्यूब पर किस नाम से है ये भी नहीं पता है ना। बहुत बढ़िया, कौन से बैच में? सर न्यू बैच, सर लिंक सेंड किए हैं। न्यू बैच में फिर से लिंक सेंड करूंगा आज, न्यू बैच फिर से सेंड करूंगा। न्यू बैच बोला किसी और बैच में हो?
बोलो, न्यू बैच में हो किसी और बैच में हो? बोलो, न्यू बैच में सर। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। ऐसा मत करो यार, खत्म होने वाला तुम लोग बता देने के, तब तो खत्म कर दू। चलो यार, तो एल्युमिनियम कह रहा है कि 0.25 मोल बना सकते हैं और सल्फर कह रहा है कि 0.2 मोल बनाएंगे। कितना मोल बनाएंगे बताइए भाई? आनंद सत्यम राय, आनंद yes, सत्यम yes, राय, कितना मोल सही होगा? आंसर क्या होगा बोलिए सर? 0.25। आंसर क्या? हट गधा। लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, सीधे जो कम है वही बनता है, ये यही आंसर होगा। हमेशा कम बनेगा, ज्यादा कैसे बन सकता है? यस सर, बताए थे, बताया कि हमेशा कम बनता है। H2SO4 तो सर लिमिटिंग रिएजेंट। अरे अब ना जरा सुनो, है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, बात समझो मेरी बात, समझो अच्छे से। H2SO4 का रहा 0.2 मोल बनेगा, LOH ऑल थ्राइस का रहा 0.25 मोल बनेगा। कम कौन बना रहा है? ये तो ये LR हुआ, ये LR हुआ, ये LR हुआ है ना। LR हम डायरेक्ट क्यों नहीं बता सकते हैं बताइए? डायरेक्ट क्यों नहीं बता सकते थे? देख के डायरेक्ट बताइए। क्योंकि बैलेंस नहीं है सब, बैलेंस नहीं है तो कैसे LR बता दोगे? बैलेंस है नहीं तो बता ही नहीं पाओगे LR, समझ रहे हो? तो वहां एक ही तरीका है, चुपचाप क्या करो, प्रोडक्ट बनाओ। जो कम प्रोडक्ट बनाएगा अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? LR हो जाएगा ना। तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो 0.2 आएगा, ऐसे ही बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? सर आया, यस सर। ऐसे ही करते, एक और करो, एक और दे रहा, एक और करो, एक और कर लो। बाकी बच्चे भी देखो सीखने का कोशिश करो, मैं खत्म करने वाला हूँ बस। मोल मैंने बहुत पढ़ा दिया है, खाली क्वेश्चन बस करवाने हैं, कॉन्सेप्ट सब खत्म ही कर दिए। अब मैं चाहता हूँ इस सवाल का जवाब सब लोग दीजिए जिसे पूछेंगे। एक हमको फीवर भी चढ़ा, मुझे ठंडा लग रहा है यार, कोरोना नहीं हो गया? मेरा टेस्ट करवाना पड़ेगा, बहुत खतरनाक लग रही है। ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, ठीक हो जाएंगे। क्या होंगे, हंसी भी आ रहा है, ठंड भी लग रही है, मतलब बुखार हुआ है अंदर से, जबकि मैं बाहर भी नहीं निकला हूँ, पता नहीं कैसे हो गया। चलो देखो सर, इसका मोल बताइए कितना होगा और LR कौन होगा, दोनों आपको बताना है। इसका मोल भी बताना, LR भी बताना। जिसने पूछेंगे वही बताएगा। ये विकास आनंद कौन है जी? विकास आनंद, मैं रिकॉर्डिंग बहुत आसान है सर, YouTube पे भी जा रहा है, YouTube पे भी जाके देख रहे हो, तब वो पढ़ भी नहीं करोगे? इतना सब बता रहे तब नहीं आ रहा है, इतना सिंपल बता रहे हैं गधा। चलो इसके एक्स मोल मानेंगे, सबसे पहले नहीं दिया तो इसके एक्स मोल मानेंगे। चलो बताओ यार, अंजलि राय कौन है जी? बताओ अंजलि राय, छोर बताओ, कैल्शियम एटम के लिए बताओ। बोलो सुनाई में नहीं आ रहा, 3 होगा। हमको सुनाई दिया है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, हमको काम भर का सुनाई दिया है। और कौन है उसके नीचे? कौन है? रिजवान है जी? कोई रिजवान, रिजवान भाग गया। हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम, मारेंगे सही जाएगा, खाली झूठ बोल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम। सर मैं रिजॉइन कर रहा था, आपने मेरा नाम नहीं लिया था। अरे यार, जिसका नंबर दिखेगा उसी का नाम ना लेंगे यार। ओके सर। सर अंजलि बोल रही थी नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा यार, मतलब जिसका यार, मतलब नहीं समझ रहा हूँ, मुझे लगा रिजवान बोल रहा है यार, एक्चुअली बात समझो मुझे। देखो यार, जिसका नाम लैपटॉप पे मुझे दिख रहा है उसी को मैं बोल रहा हूँ यार, कुछ को थोड़े बोल रहा हूँ। 3-4 का नाम दिखता है, अर्पित का नाम दिख रहा है, अंजलि के नीचे अर्पित का नाम दिख रहा है। अर्पित कौन है? अर्पित, अर्पित बोलो। यस सर। हाँ बोलो अर्पित, बोलो। हाँ सुरक्षा टाइम के लिए बोलो।
फास्फोरस एटम के लिए। हाँ बोलो। अरे बोलो सर, कितना फास्फोरस एटम है रिएक्टेंट में? ये सर 0.3/2 आएगा। अरे मतलब पहले बोलो ना कितना होगा, 0.3 × 2 क्या लिखे पहले बताओ, रिएक्टेंट बताओ कितना है सर? 0.3 mole। अरे इंटू वन भी बोलोगे? यस सर। वन बोलना पड़ेगा ना तुमको? यस सर। चलो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या लिखे बताओ, प्रोडक्ट में कितना फास्फोरस है अगर एक्स मोल है? सर 2x। हाँ ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी सर? 0.3/2। कौन वैल्यू बढ़ा रहा बोलो सर? 0.4/2 सर। सी ओएस का होल ट्वाइस। यस सर। और आंसर क्या लिख के आओगे वहां पे? आंसर पूछेगा तो क्या लिख के आओगे? 0.4/3। ये आया कि नहीं आया बोलो? चला गया, आ गया पूरा। आया कि नहीं आया? सर अप्रोक्स सर कुछ 0.13। ठीक है यार, चलो इधर देखो, देखो एक बार और मेरी बात सुनो। अब कोई लोग ये बात कर रहा है कि सर हम ऑक्सीजन को कंजर्व क्यों नहीं कर रहे? ऑक्सीजन को मत कंजर्व कीजिए, ऑक्सीजन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, मुश्किल हो जाए। उसी एटम को पहले कंजर्व करिएगा जो कितने जगह, एक एक जगह हो। अब कहेगा हाइड्रोजन को कंजर्व करेंगे, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन कंजर्व करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। उसी एटम को जोड़ते हैं जो होता है। ठीक है, चलिए आपको एच का क्यों नहीं निकाले? जैसे सर आप सी ए का भी निकाले, पी का भी निकाले, सर आप एच का क्यों नहीं निकाले? गजब आदमी हो भाई। यहाँ एच है इधर, एच है इधर, इसका मोल पूछा ना, इसका मोल पूछा ना बोलो, एच है इधर नहीं ना, इसका मोल पूछेंगे तब ना। अभी तब भी एच को कंजर्व नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे इसको कंजर्व बताओ? क्यों नहीं करेंगे बोलो जी, क्यों नहीं करेंगे? वो तो है, आप उसको भी नहीं करेंगे? अरे यार दोनों जगह कैसे कंजर्व करोगे भाई तुम? गजब सर, दोनों जगह है सर। अब मुझे बताओ यहाँ, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो कहाँ का गया है? यहाँ वाला है कि यहाँ वाला? तुमको कैसे पता चलेगा बोलो? सर दोनों का है। तब फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं कंजर्व करते हैं, समझो। हमेशा उसी को कंजर्व करोगे। एलआर के केस में जो जो आइटम कितनी बार जा रहा है? एक बार। जैसे इधर वाला कैल्शियम इधर गया, फास्फोरस उसी को करो। अब ऑक्सीजन होगा तो फंस जाओगे ना, अब दोनों ऑक्सीजन वहां जा सकता है, तुमको कैसे पता चलेगा कौन गया? समझ रहा बात को? आ रहा बात समझ में ना? हाँ सर। यस सर। यूएस मुश्किल नहीं है, लेकिन सोच समझ के ही करना है ना। अब तुम कहोगे कि हम नहीं करेंगे वैसे तो गलती होगा। जैसे हम लोग एलआर निकाल लिए तो उसके बाद तो निकाल सकते हैं H2O का मोल? हाँ हाँ हाँ, एलआर निकालने के बाद हम निकालो। अब एलआर निकाल लियो तो अब कहाँ से बनेगा ये? यहाँ से बनेगा, यहाँ से बन जाएगा। जितना हाइड्रोजन इधर उतना ही हाइड्रोजन उधर जाएगा, काम खत्म। समझ गए नहीं समझे? यस सर। बोलो। समझ गए सर। वो बात समझ, वो बात की बात है यार, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ में करो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ लो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो चलो ऐसा एक अच्छा सवाल दे रहा हूँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या है बताइए, मतलब ज्यादा ही अरे ज्यादा कम ही से क्या मतलब है तुमको? हमने KCl3 पर लिया, उसको गर्म किया, KCl4 बन गया, KCl बन गया, O2 बन गया, उसमें O2 का मोल बन रहा है 3 mole। अब तुमको इन दोनों का मोल बताना है बिना बैलेंसिंग, बैलेंस करके बना भी नहीं सकते, बैलेंस करके आप इसको बना भी नहीं सकते, इसलिए नहीं बना सकते हैं कि हम बोल दें कि O2 का 3 mole निकल रहा है। अगर बैलेंस करके फिर O2 का 3 mole थोड़े मिलेगा, तो कोफिशिएंट के हिसाब से बनेगा ना। जब मैं कह दिया O2 3 mole बना रहा, तो बैलेंस करके नहीं बना पाएंगे। बताइए कितना कितना बनेगा, बताइए सर? दोनों का 3-3 आएगा सर, दोनों का 3-3 आएगा। कौन बच्चा बता रहा, नाम बताओ अपना तुम? सर अर्पित। तुम तो लग रहा पढ़ने वाला, बड़ा जल्दी सोच लिया तुम, वेरी गुड, बहुत जल्दी सोचे तुम।
चोर कहाँ है? चोर चोर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं? चोर चोर तो दिख नहीं रहा, कहाँ गया वो? चोर है कि नहीं है आज? ये सर दोनों का सर तीन तीन मोला गया। कैसे होगा चोर बताओ, कैसे होगा बताओ, कैसे बोलो? ऐसे ही तीन तीन मोल चोर। देखो सर पहले ऑक्सीजन को पकड़ो, ऑक्सीजन को पकड़ो, इसका एक मोल मानो। मैं कहा हूं ना तरीका ही होता है, इसको क्या मान? हाँ तो तुम पढ़ना लिखना ही नहीं तुमको। ये सब मेरा भी है। देखो पहले इसको एक्स मोल मानो, इसको वाई मोल मानो, अरे रुको जी, एक्स मोल मानो वाई मानो। तो अब सबसे पहले कौन से आइटम पे लगाने में फायदा है? चोर बॉय कहाँ गया तुम बताओ? चोर बॉय सबसे पहले किस पे लगाने फायदा है? ऑक्सीजन सर ले लीजिए, ले क्या लीजिए? ऑक्सीजन लेंगे क्यों लेंगे बताओ, ले क्या लीजिए? क्योंकि सर उसमें सर उस सर सर प्रोडक्ट में सर ओ2 का मोल दिया सर इसलिए। हाँ इधर भी पता, इधर ही पता, तो खाली यही बचेगा, बाकी लेंगे तो दो नोन होगा ना, तो फंस जाएगा ना सवाल। शादी बट रहा ले लीजिए, बंद कर दीजिए ठीक है सर। 6 × 3 यस सर। देखो भाई जो जो नए बच्चे हैं, एक आध बच्चे नए हैं जिनको नहीं आ रहा, खाली आइटम गिनना है यार। 6 मोल है, 3 है, देखो KCl3 जो है उसमें 3 ऑक्सीजन है, 6 तो 18 ऑक्सीजन सर। हाँ इधर बता दी दूसरे साइड 2 × 3 प्लस x × 4 सर, x × 4 + 6 सर, 4x + 6 सर, क्योंकि सर KCl2 नहीं है सर, x आ जाएगा 3 सर, x आ जाएगा 3 सर, सर x + y = 6 हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा सर? 4x12 आ जाएगा, x3 आ जाएगा सर। अब रुको वो आइटम का जर खोलिए, अब किस पे लगा, जिस पे मन कर उस पे लगा, अब तो दूर बैठना है। पोटेशियम लगा सर, सर के पे लगाएंगे। चलो के आता यस सर, चलो के आइटम पे बोलो जी सर। 6 × 1 6 = x + y सर, = 4 × 1 x का है सर, 3 तो निकाल ही लियो यार सर, 3 × 1 और सर प्लस y 2 हो जाएगा सर, वाई माइनस सर वाई टू वन करेंगे और सर वाई से आ जाएगा, फिर वाई थ्री आ जाएगा सर, वाई थ्री आ जाएगा, वाई भी वही है सेम है दोनों सर, वाई थ्री आएगा। देखो नहीं आया समझ में, गधा हो गया सर, वाई थ्री आ जाएगा, आ गया सर, थ्री निकाल ले ना, आया कितना आएगा भाई सर? 3 3 सर, दोनों 3 सर, नेगेटिव आ रहा था पढ़ना ना लिखना, नेगेटिव आ रहा है। चलिए मिटाइस गो, बोलिए। हाँ सर मिटा दीजिए सर, वाई टू आएगा क्योंकि 6 = सर सर वाई टू आना चाहिए क्योंकि 6 = 3y हो जाएगा ना, तो y = 6/3 2 हो जाएगा। अरे गजब हो तुम, अरे 3 + y है, माइनस +3 + y। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ तब ठीक है, तब ठीक है सॉरी, कैलकुलेशन कर लो, 3 है ठीक नहीं, एकदम ठीक था। अरे इधर सब ठीक है, मुझे बताओ किसको नहीं समझ में आया ये बताओ, इधर सिखाओ मत, सब सही है, मुझे बताओ किसको नहीं आया ये बताओ। अर्पित आया तुम, अर्पित को बताइए गया तो फट से बता दिया, किसी को नहीं आया भाई? हाँ किसी को नहीं आया? अरे बोलो यार, यस सर नो सर, मिटाए सर, क्या करें सर, तो तबीयत खराब है, समझ नहीं रहो तुम लोग, देख रहे ठंडा लग रहा तुम, समझ नहीं रहा, मन नहीं था पढ़ा दे रहा हूँ ऊपर से। चलो तो मान लिया जाए कि पीओएसी कर लोगे? हाँ सर मान लिया जाए। यस वेरी गुड। तो देखो अब हम लोग पीओएसी का रियल एप्लीकेशन, अभी तक तुम लोग सीख ही रहते हैं, रियल एप्लीकेशन एक्चुअली मिक्सचर के लिए होता है, जहां तुम चाह के भी बैलेंस ना कर पाते, जैसे ऐसे कहेंगे। Thank you.
क्या क्वेश्चन है बताओ, क्या क्वेश्चन है बताओ। तुम्हारे पास है CH4 और साथ में कौन है C2H6। ये दोनों, इन दोनों का तुम किससे रिएक्शन करा रहे हो? O2 से किसी का भी रिएक्शन करा सकते हो, और O2 से रिएक्शन होगा तो क्या बनता है दोनों जगह CO2 और यही ना बनेगा जी। यस सर, यही कह रहा है कि आपके पास 4 मोल मिक्सचर है, इन दोनों का मिला के 4 मोल है, और जलने के बाद सीधे सीधे क्या बन रहा है क्या ज्यादा छोटा हो गया। यस सर, और सीओ टोटल CO2 कितना बन रहा है 7 दोनों ना, ऐसे सीधे कहो ना, या तो मैं तो अलग अलग लिख दिया, और सीधे सीधे कह रहा है क्वेश्चन कि O2 से रिएक्शन हुआ और CO2 बन गया, है मोल साथ में। क्वेश्चन एक लाइन में कहो तो ऐसे भाई मिक्सचर है O2 से, अलग अलग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। मुझे बताया आप बैलेंस करने से कोई फायदा है? मान लो इसको बैलेंस कर लिए तो क्या फायदा है? इसका पता नहीं, इसका पता बैलेंस करने से कुछ फायदा होता होने वाला है नहीं, समझ रहा हूँ। चाहो तो बैलेंस करके ही बन जाएगा, POC से फटाक से बनेगा ना। चलो बताओ भाई कैसे किया जाए इसको अप्रोच, बताओ क्या लिखे, इसको कितना मोल मान लें, बोलो सर X। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 4 - x। 4 - x होगा सर, 1 मोल और 3 मोल आंसर आएगा। यस सर, मुझे बताओ कार्बन इन रिएक्टेंट कितना होगा? देखो ये मैं ऐसे ही लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे करोगे तो बनेगा। कार्बन इन रिएक्टेंट और POC बता रहा हूँ सर, 1 × x। 3 एटम रिएक्टेंट में कितना होगा, रिएक्टेंट में सर CH4 वाले 1 × 6 x, और यहाँ भी तो होगा सर 4 - x × 2 और प्रोडक्ट में बताओ सर 7 बताओ सर 7 ही होगा 7 × 1 सर 7 आया 1 × 7 + 2 × 2 7 × 1 समझ में आया कि नहीं आया पहले मुझे बताओ। यस सर आ गया, निकाल लो यार x कितना आएगा सर, ये एडवांस लेवल का है ना। यस सर बिल्कुल ठीक लोगे तो सब आइए जाएगा, समझ रहा हूँ। आया जी कि नहीं आया? यस सर बोलो। यस सर बोलो। सर आ गया, बाकी लोगों को आ रहा है? यस सर। अरे बाकी लोगों को भी आ रहा है दोबारा? यस सर। सर दूसरे वाले में सिर्फ 7 × 1 × 2 की है, सी का निकाल रहे थे इसलिए। और क्या, सी को ही तो कंजर्व करोगे और किसको कंजर्व करोगे बताओ? तुम बात समझो, तुमको किसका हाइड्रोजन का मोल पता है प्रोडक्ट में? हाइड्रोजन के बारे में कुछ बात है ये नहीं है, और ऑक्सीजन का पता है तुमको? रिएक्टेंट पता है, तुम्हारी कार्बन है ना पता है, यहाँ कार्बन पता है, यहाँ कार्बन पता, तो जो एटम पता उसी को ना पता करोगे? ऑक्सीजन तुमको पता नहीं रिएक्टेंट पे कितना, और हाइड्रोजन प्रोडक्ट में ही पता है, उसी एटम को कंजर्व करेंगे जिसका जानकारी है, किसी और को करेंगे तो क्या फायदा? लिख के बैठे रहेंगे पता नहीं है कितना, तो कैसे बनेगा? एक सवाल और बनाओ तुम लोग, देखते हैं डायरेक्ट क्या क्या करो, बोलो। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, कैसे बोलो ए तुम लोग, क्या चक्कर पड़ा जी एडवांस? हाँ अरे तुम लोग एडवांस क्या सोचते हो, एडवांस में कठिन सवाल आता, श्योर हो गया तुम लोग? सब एडवांस आसान आसान सवाल आता, मूर्ख तुम लोग। मैं कह रहा हूँ ना एडवांस इंटरडिसिप्लिनरी आता है, एक चैप्टर का नहीं आता, एक चैप्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट, दूसरे चैप्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना, और उनका बेस रहता है ना, लेकिन सारा आपको पता होना चाहिए ना, एक चैप्टर से नहीं काम चलेगा। ये मत सोचिए बड़ा कठिन सवाल आता है, इसे दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग ना। मैं पढ़ा रहा हूँ 11th का सीट नमवा, देखो उसका क्या नाम लिखा जा रहा, पढ़ो तो छो 11th सीट के आगे क्या लिखा, पढ़ो जो सीट में जाओ उसके आगे क्या लिखा है। और जो अब मुझे बताओ मोल दोबारा नहीं पढ़ा जाएगा, तो 11, 12 सबके लिए वही है, IIT का सीट है, मतलब जो आप बना लिए फिर दोबारा वही है, वही जिंदगी भर आपका चलेगा। IIT में जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, करें ना करें सब वही बनाते हैं, समझ रहे हैं? ज्यादा से रैंक देखी रहो कितना अच्छा आ रहा है, तीनों सोचो कि अब तुम दोबारा बनाओगे,
तुम जब जेआरएस में इलेवेंथ लोगे 2 साल के बाद तब यही सीटों का मिलेगा चोर, तब यही मिलेगा, यही मैं सोचो कि दूसरा कुछ मिलेगा, यही मिलेगा सेम सीट अगेन, थोड़ा सा डाटा वाटा चेंज होगा, पहले से बनाए रहेगा तो टॉप करोगे, जिन बच्चों को लोग पढ़ाए हैं सब हम लोग यही पढ़ाए हुए हैं, जिसका रैंक बार देख रहे हो, हर साल जेआरएस से टॉपर आएगा, इस साल की बात नहीं है, मैं तुमको बोल दे रहा हूँ, देखना टेंथ में भी जेआरएस का बच्चा टॉप करेगा, इलेवेंथ में भी टॉप करेगा, मतलब कहने का ये मतलब है टेंथ मतलब अगली साल भी टॉप करेगा 2021 में, 2022 में, फिर 2023 में तुम लोग पहुंच जाओगे, तो तुम लोग हो सकता है यूपीओ टॉप कर जाओ, हर साल करोगे, इसलिए कि प्री फाउंडेशन पहले यहाँ था नहीं और अब यहाँ शुरू हो गया है, अब जब शुरू हो गया है तो हम लोग पढ़ा दे रहे हैं सब, तुम लोगों को इसी ने पढ़ा दे रहे हैं सब, पढ़ा देंगे तो वहां आगे बाहर नहीं पड़ेगा, जब अभी से सब पढ़ लोगे तो तुमको कौन टॉप करेगा बताओ, तुम्हारे अलावा अपना दिमाग है तुम लोगों को, मान लो ये 5 मोल है, क्या मोल है सर, टोटल 5 मोल है, हाँ टोटल 5 मोल, 5 मोल मिक्सचर, 5 मोल मिक्सचर है ये, और ये बन रहा है CO2 और H2O बन रहा है इसका, ठीक है, और जो H2O बन रहा है थोड़ा सा मुझे सोच लेने दो, मोल बन रहा है जी, अब तुमको बताना है क्या इसका मोल बताना है और इसका भी मोल बताना, समझ गए, ये चलो बहुत अच्छा सवाल है ये, देखते हैं कौन बनाता है, दो और तीन है, दुए मोल आएगा, पागल हो, किसका इसका मोल, यस सर दो, पगलेट हो क्या जी, इसका ना मोल पूछ रहे हैं, अब तुम इन दोनों का मोल नहीं पूछ रहे हैं, इसका इसका मोल पूछ रहे हैं, समझ के पढ़ाया जा रहा है, तुम ही लोग टॉप करो, 2000 हैं क्या कर रहे हो सर, 1/2 तुम पागल हो क्या जी, इतना कम कैसे बनेगा, बट 1/2 कैसे बनेगा, 1/2 नहीं बनेगा, लॉजिक से बनाओ यार तुम लोग, जबरदस्ती मत बनाओ, एक साल में देखिएगा आप याद करेगा कि अगले साल दशहरा में क्या हो रहा है, समझ रहा, चलिए देखिए भाई ये 5 मोल मिक्सचर है हमारे पास, 5 मोल मिक्सचर है, भाई सबसे पहले क्या करें बताओ भाई, सर C2H6 को सर x मोल ले लेंगे और C3H8 को सर 5-6 और सर फिर x मोल हो जाएगा इसको 5-6 Yes. सर वहाँ पे हो जाएगा सर 6x प्लस नहीं है क्या जी, अगर हरी भाग गया क्या, दिख नहीं रहा बहुत दिनों से, सर 6x प्लस 5-6 इंटू 8 सर इक्वल टू 36 सर, एटम को कंजर्व करोगे मतलब आप कौन सर, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को कंजर्व करोगे, H को सर, H को सर अभी है सर, यस सर, सर अभी है, अगर हरी है बोल नहीं रहा कुछ, सर ये 2x लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सर 6x लेंगे, सर 6x लेंगे, यार कह रहा कि 2x लेंगे, पढ़ना में लिखना चोट, नो सर 6x लेंगे, हाइड्रोजन के हिसाब से संभालेंगे, सर 6x प्लस प्लस 8 5-6 सर 40-5x 8 into 5-6 हाइड्रोजन आइटम को कंजर्व करो, यस सर 36 सर एक्स आ जाएगा 2 यस सर एक्स आ जाएगा 2 और सर 5-6 इक्वल टू 3 सर C3H8 का 3 आ जाएगा और सर CO2 निकल, यस सर रुको यार आ गया 2 मोल और ये वाला क्या मोल हो जाएगा सर 3 मोल सर रुको रुको शांत रहो रुको ए अग्रहरी बताओ जी कहाँ गया तुम चोर, कितना होगा CO2 बताओ, कितना CO2 बनेगा बताओ, हाँ हाँ बोलो सर 13 मोल पैसे सर 13 मोल अरे कैसे पैसे 13 सर सर हम लोग 80 का सर इधर रिएक्टेंट में पहले निकालेंगे 2 × 2 प्लस 3 × 3 और फिर इक्वल टू बोलो यार इसको x मोल मान लो एक्स मोल अब किस के लिए लिखे हैं, कौन से आइटम के लिए लिखे हैं बोलो, कौन से आइटम के लिए लिखे हैं बोलो,
सर कार्बन एटम कार्बन और टू इंटू टू बेसिक से बता रहा हूँ टू इंटू टू ऐसे कॉमन सेंस से भी समझ लो थ्री इंटू थ्री बराबर एक्स इंटू वन एक्स कितना आएगा थर्टीन आया सर थर्टीन थर्टीन सर थर्टीन थर्टीन चलो अभी बचा हुआ है कौन बचा हुआ है ओ एटम ओ टू चलो ओ टू जी से पूछ रहे उनको कौन बताएगा ओ टू सर मैं बताऊ श्रेयांश बोल रहा है क्या नो सर मैं ही बोल रहा था अच्छा चलो बोलो तू ही बोलो मैं बताऊं सर ओ टू को जेड मोल ले लेंगे ये सर जेड मोल ले लेंगे और फिर उधर लेंगे थर्ड बोलो फिर जेड इंटू वन बोल ही और ये सर जेड इंटू टू Z into 2 equals to 13 into 2 plus 18 into 1. Very good. Z equals to 44 हो जाएगा और Z की value 22 आ जाएगी. Very good. समझ गए? मुझे बताओ अब POSC का power समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये power है. Yes, sir. Power है. हाँ सर समझ में आ गया. POSC का. मतलब बस आप इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि कौन से एटम पे लगाई अगर आपने लगा लिया तो सवाल फट से बनेगा कितना भी लेंदी सॉल्व देखो इतने में बन जाता है कितना ही आंसर है समझो आपका कॉमन सेंस है तो और अच्छे से आप बना सकते हैं ठीक है तो देखिए भाई कॉन्सेप्ट मैंने सब पढ़ा दिया मुझे बस सीट डिस्कस करना है समझ रहा तो आप सभी लोग आप लोग डीपीपी ट्राई कर लीजिएगा है ना जो पीओएसी वाला पार्ट है ना जी तुम सब्जेक्ट फिर पूछे थे कहाँ से पूछे थे जी अरे तुम सतासी छियासी सर मैं सर स्ट्रोकोमेट्री से सर पूछ सर स्ट्रोकोमेट्री से सर सेकंड वाले सर उसके दो पार्ट थे स्ट्रोकोमेट्री स्ट्रोकोमेट्री सेकंड सुनो तुम लोग स्ट्रोकोमेट्री सेकंड में 60 नंबर से शुरू करना 60 या 62 से 60 62 नंबर से लास्ट में 15-20 सवालों से बना जाना लास्ट के 15-20-25 सवाल 60 या 62 नंबर स्ट्रोकोमेट्री 2 है ना यस सर बनाइए सब लोग बनाना हां तो उसी को बस केवल मैं डिस्कस कर दूंगा है ना डिस्कस करूंगा मैं उसके बाद काम खत्म हो जाएगा ठीक है और जो लोग बना लिए हैं वेरी गुड क्योंकि अब अगली बार वही डिस्कस उसको करूंगा एक आध क्लास में फिर मैं शुरू कर दूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक मोल का तगड़ा वाला टेस्ट होगा दोगे ना बोलो बोलो यस सर 16 के बाद लीजिएगा सर सर 16 नहीं एग्जाम यस सर यस सर 16 के बाद क्लास एंड कर रहा हूं ठीक है कहावा पी लूं थोड़ा ठीक है चलो